स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद जात के एक और नए एपिसोड के अंदर। आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया कि आज हम जा रहे हैं चंबल रिवर फ्रंट। तो आपको दिखाता हूं कि वहां पर क्या क्या है, क्या क्या मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। जितना हो सके आप ब्लॉग को छोटा रखूंगा क्योंकि जो रिवर फ्रंट है वो 3-3.5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। चलिए देखते हैं आपको क्या क्या दिखाता हूँ, वरना फिर से जाएंगे क्योंकि एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है वहां पर, इसलिए आज का ब्लॉग वहीं के लिए बनेगा। चलिए चलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं सामने है ये टिकट विंडो और ये देख सकते हैं डॉल्फिन्स कितनी प्यारी लग रही है जिनके मुंह से पानी आ रहा है। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का वीआईपी गेट, ये है यहाँ का वीआईपी गेट। बाकी जैसे ही आप एंटर होंगे शौर्य चौक के अंदर, तो शौर्य चौक के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर एक ड्रैगन, शायद ये यहाँ का प्रतीक है या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। बाकी देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना गाइज़ ये। और उसके अलावा मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये होटल नहीं है, ये है यहाँ के ऑफिसेस जहाँ पर मीटिंग्स होती है या बहुत सारी चीज़ें होती है यार गाइज़। और बाकी अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो आपको ऐसी कार्ट्स मिलेगी घूमने के लिए। और बाकी इसके अलावा और भी चीज़ें हैं गाइज़ यहाँ पर, जितना दिखाऊँ उतना कम है। देख सकते हैं गाइज़ ये है आधा हिस्सा, और बाकी हम उस साइड नहीं जाएंगे, हम चलेंगे इस साइड की। और अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है गाइज़। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। आप सामने देख सकते हैं रिवर फ्रंट का ईस्ट साइड गाइस। और आपको और चीज़ दिखाऊं, ये तिरंगा घाट हम चलते हैं। तिरंगा घाट से आप देखेंगे यहाँ का जो है एंट्री पॉइंट, ये है यहाँ से आपका टिकट कट होगा और यहाँ से आप एंटर होंगे अंदर की ओर। और उसी के पास में मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं घंटा। और इसमें शायद 80 टन लोहा लगा है गाइज़। और बाकी देख सकते हैं कितने प्यारे मॉन्यूमेंट्स हैं इस साइड के अंदर। वेस्ट में भी कम नहीं है, वेस्ट के भी आपको दिखाऊंगा गाइज मैं, लेकिन कल वाले ब्लॉग में। और बाकी उसके अलावा हम चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो आप देखेंगे कहाँ पर घंटी लटकाई जाती है। उससे पहले देखिए यहाँ पर बोटिंग होती है। और जैसे ही यहाँ से आगे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ का घंटी घाट, जो घंटा बनाया गया है वो इस पर लटकाया जाएगा गाइज। इसके शॉट देखिए आप, कितना प्यारा लगता है ना यार, मतलब कारीगरी तो की गई है यार। अब गाइस जैसे ही आप रोशन घाट से आगे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होता है शिव तांडव। तो शायद यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। और बाकी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 5 तत्व के जो मंदिर हैं, वो है ये मंदिर। ये सारे मतलब जो दुनिया में 5 तत्व मौजूद हैं उनसे रिलेटेड है ये मंदिर। बाकी अब आपको दिखाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी नंदी माता की प्रतिमा। आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइज आप जैसे ही चलते हुए आगे आएंगे आप देख सकते हैं इनविजिबल स्कल्पचर। आप जैसे ही साइड से देखते हैं तो आपको पूरा दिखाई देता है, बट अगर आप लाइव देखेंगे सामने से, कैमरे में शायद आपको पता लग जाएगा, बट अगर आप लाइव देखेंगे सामने से तो भी इस साइड से, तो आपको इतना महसूस नहीं होगा गाइज ये। और बाकी चलते हैं आगे की ओर कि आगे क्या क्या है। देख सकते हैं कितना प्यारा दृश्य है गाइज, पूरा का पूरा इस रिवर फ्रंट का वेस्ट साइड का एरिया। बाकी आपको दिखाएंगे आधा हिस्सा, और कल अगर हम आए यहाँ पर तो कल भी दिखाते हैं। बाकी सामने देख सकते हैं बैराज के गेट, और ये तुम्हारे भाई का एक छोटा सा क्लिप। तो गाइज जैसे ही आप सामने देखेंगे चंबल माता की मूर्ति, उसी के पास में बना हुआ है कोटा बैराज के सारे गेट। आप देख सकते हैं कितने सारे गेट हो, चंबल माता की मूर्ति और जल महल। बाकी हम आ चुके हैं यहाँ पर गीता घाट की ओर, और यहाँ पर बैठे होंगे शायद हमारे कान्हा जी। अरे देखिए बांसुरी बजाते हुए कान्हा जी। एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पर साउंड नहीं डाल पाया बिकॉज वहाँ पर हर सॉन्ग जो भी है वो रजिस्टर्ड है, तो कॉपीराइट लग जाएगा गाइज। और यहाँ पर शायद गीता के सारे श्लोक लिखे हुए हैं हिंदी और हर चीज़ के अंदर। बाकी जैसे ही वहाँ से आगे आएंगे तो आप देख सकते हैं योगा का पूरा स्ट्रक्चर गाइज। तो जैसे ही आप योगा घाट से ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जवाहर घाट, जहाँ पर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का पूरा एक घाट बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू जी का। और बाकी आप देख सकते हैं उनकी एक बुक्स, और बाकी ये मुखौटा जो बनाया गया है उनके याद के तौर पर। और बाकी आप देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा दृश्य है ना यहाँ का। ये सूफी डांस के साथ साथ में आप देखिए सनसेट कितना प्यारा लग रहा है ना यार। ओहो भाई कूल यार। और बाकी का ये देख सकते हैं जो सूरज की किरणें सामने की ओर पड़ रही है गाइज, कितना प्यारा लग रहा है ना ईस्ट का एरिया। ओहो भाई कूल यार। बाकी टाइम लैप्स जैसे ही आप घंटी घाट से आगे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कार्ट्स चलती है, गोल्फ कार्ट्स। और बाकी सूरज की किरणें जो पड़ रही है इस बिल्डिंग के ऊपर, क्या प्यारा दृश्य है ना गाइज। और उसके अलावा देख सकते हैं सामने लोग घूमने आ रहे हैं। बाकी अब व्लॉग को एंड करते हैं। तो गाइज यही था आज का व्लॉग रिवर फ्रंट का। हमने आधा हिस्सा दिखाया वेस्ट साइड का। अब अगर मौका मिला कल तो कल भी जाएंगे और वेस्ट साइड का पूरा हिस्सा दिखाएंगे आपको कि क्या क्या है वेस्ट साइड के आधे हिस्से के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाओ यार। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मेरी कहानी, मेरी जुबानी। आप मुस्कुराएंगे, हम खुश होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।